हाँ बच्चों, आज हम सिक्स क्लास की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। नोइंग अवर नंबर, इसमें जैसे देखो 8 ये हमारी डिजिट है, 28 ये एक नंबर है, 924 ये भी नंबर है। इसमें देखो बेटा, जैसे मान लो 3, 2, 4, 5, इसमें सबसे पहले ये वंस, ये टेंस, ये 100 और ये 1000। इसके आगे मान लो और हम लिखते हैं, ये 10,000, ये लैक, ये 10 लैक, ये करोड़ और ये 10 करोड़। इसमें सबसे पहले देखो 5 हमारी क्या है, वंस। इसके बाद में 4 हमारी है टेंस, 2 हमारी है हंड्रेड्स, दिस इज 1000, दिस इज 10,000, दिस इज लैक, दिस इज 10 लैक्स, दिस इज करोड़ और दिस इज 10 करोड़। अब पिछली कक्षाओं में हम 10,000 और शायद लैक तक की डेट्स का अध्ययन कर चुके हैं। अब हमें इन नंबरों के आधार पर, इन डेट्स के आधार पर, हमें अब जो आपकी एक्सरसाइज वन में दे रखा है नंबर नेम का हमें करना है। जैसे देखो बेटा, ये 3, 2, 4, 5 हंड्रेड्स तक के नंबर तो आप थर्ड या फोर्थ में पढ़ चुके हो, 5 वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000, 10,000। लेकिन सबसे पहले हमें क्या है, इनको बनाने से पहले हमें इनके पीरियड्स के बारे में जान लेना चाहिए। तो पीरियड्स क्या होता है, जैसे वो 3 वंस पीरियड, 1000 पीरियड, लैक्स पीरियड और करोड़ पीरियड्स, ये 4 पीरियड्स हमारे। तो वंस पीरियड्स में हमारी वंस, टेंस, हंड्रेड्स तीनों डेट आती है। कौन कौन सी आती है बेटा, वंस, टेंस और हंड्रेड। थाउजेंड में हमारी 1000 और 10,000 दोनों आती है, 10,000 और 1000। लैक में हमारी 10 लैक्स और लैक दोनों आती हैं, और करोड़ में हमारी 10 करोड़ और करोड़ दोनों आती हैं। तो इसके आधार पे हम क्या करते हैं, वंस पीरियड में 100, टेंस वंस, 1000 में 1000, 10,000, लैक्स में 10 लैक और लैक, सॉरी 10 लैक और लैक, और करोड़ में 10 करोड़ और करोड़, ये डेट आती हैं। अब इनके आधार पर हमें नंबर्स को ढूंढना है। एग्जांपल दे रहा हूँ आपके लिए मैं, एक जैसे 5, 3, 2, 4, 5। तो पहले हमें पीरियड्स के आधार पर इनको अंडरलाइन कर लो। जैसे देखो वंस, टेंस, हंड्रेड, ये हमारा पूरा वंस पीरियड हो गया, 1000, 10,000 ये 1000 पीरियड हो गया, लैक ये लैक पीरियड,
अब इसमें सीधा सीधा हमें आप मालूम पड़ रहा है कि फाइव क्या है, लेख फाइव लेख। अब 32 ये पूरा क्योंकि ये लेख पीरियड्स हो गया, ये थाउजेंड पीरियड है, तो इसमें हमें क्या लिखना है, 32,000। अब वंस टेंस हंड्रेड, तो ये 454। ओके, अगर हमें इससे भी बड़ी डेट, इससे बड़ी डेट का यूज करना है, जैसे एग्जांपल तो दूसरा नंबर है, जैसे 5043245, तो इसमें अगर हमें और पीरियड के हिसाब से जानकारी करनी है तो इसमें हम कॉमा लगा के भी कर सकते हैं, इसको वंस टेंस हंड्रेड, ये वंस पीरियड हो गया हमारा पूरा, थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख। अगर हम यहाँ पर कॉमा भी ला सकते हैं तो हमें अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा 50 क्या है, लैख 43,245। बिल्कुल सिंपल तरीका है ये, अगर आप इसको अंडरलाइन कर लेते हो तो इसमें हमें अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि वन स्पीड कौन सा है, थाउजेंड स्पीड कौन सा है और लैख पीरियड कौन सा है। अब लैख स्पीड में 10 लैख और लैख दोनों हैं, तो यहाँ पे हमें 50 लैख, ये दोनों थाउजेंड पीरियड्स हैं, थाउजेंड पीरियड्स में आते हैं दोनों, थाउजेंड और टेन थाउजेंड, तो 43,245। ओके, शायद सबकी समझ में आ गया होगा।